गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास होगी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, और इलेक्ट्रिक पावर की छोटी यूनिट यानी स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट क्या होती है ना। तो ये आज हम लोग अपनी क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पावर क्या होता है, जो आप क्लास 9th में पढ़े हुए हो, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर पर नहीं, सबसे पहले पावर पर आते हैं क्या होता है, ठीक है, पावर, ठीक है। तो आंसर है कैपेसिटी टू डू वर्क, क्लास 9th में पढ़े थे, आंसर इज यस, है ना। तो कार्य करने की जो रेट होता है ना, वर्क डन करने का जो रेट होता है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो पावर हम किसका कैलकुलेट करते हैं, तो पावर हम किसी भी पर्सन का, ठीक है, किसी भी मशीन का, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पावर होता है ना, उसका डिफिनेशन क्या है, तो उसका डिफिनेशन है वर्क डन का जो रेट है, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, पावर। कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, कोई भी आपका अप्लायंस हो, कोई भी मशीन हो, उनकी जो कार्य करने की रेट है, कार्य करने की क्षमता है, वही उसकी क्या है, पावर। आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको फिर से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास तीन पर्सन है ना, तीन पर्सन, एक है राम, एक है श्याम, एक है बलराम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि एक हमारे पास बंदा है राम, ठीक है, राम भैया, ठीक है। तो देखा हमने कि इन्होंने कुछ काम किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ काम किया, और उसके बाद काम करने में कुछ समय लगेगा, काम करने में कुछ समय लगा, आंसर यस। तो जो राम भैया जी हैं, है ना, उन्होंने काम किया, काम किया, तो उन्होंने काम किया, मान लीजिए 10 जूल, 10 जूल काम किए, ठीक है, और वो जो टाइम लिए, ठीक है, हमने मान लिया 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड ये हुए। और जो श्याम भैया थे, है ना, उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया, ठीक है, उन्होंने काम किया 25, ठीक है, जूल वर्क किया, ठीक है, 25 जूल वर्क किया, ठीक है। कितने समय में, हमने सपोज किया ये 3 सेकेंड में किए, 3 सेकेंड में, ठीक है। फिर उसके बाद आ गए बलराम भैया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद बलराम भैया आ गए, है ना, तो उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया, मान लीजिए 15 जूल वर्क किया, और इनका जो टाइम लगा वो लगा आपका 5 सेकेंड। तो तीन लोग, राम ने काम किया 2 सेकेंड, 10 जूल काम किया, श्याम भैया थे 3 सेकेंड काम किए 25 जूल, ठीक है, और बलराम 5 सेकेंड में कितना काम किए, 15 जूल काम किए, ठीक है। तो अब इन तीनों में से बताइए किसका पावर ज़्यादा है, ठीक है, किसका पावर ज़्यादा है। तो एक वर्क कर रहा है 10, एक 25 है, एक 15 है, इनका टाइम भी डिफरेंट है ना। तो जो हम लोग पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कौन ज़्यादा पावरफुल है ना, तो हमको इस तरह से फाइन, मतलब एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है ना। उसको समझने के लिए, जो ज़्यादा पावरफुल है या जो सबसे कम पावरफुल है उसको समझने के लिए एकदम आसान सा तरीका है कि हम सभी का यूनिट टाइम में वर्क निकाल लें। जो यूनिट टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, ठीक है, या हो सकता है 1 मिनट, यूनिट टाइम का मतलब, ठीक है, ये होता है। 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन हो सकता है ना, ये 1 ईयर हो सकता है। तो यूनिट का मतलब 1। तो हमको इन तीनों में से ऑब्जर्व करके बतानी है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है ना। तो उसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं कि इन तीनों में से यूनिट टाइम में कौन सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तो यूनिट टाइम मतलब 1, और हम लोग सेकेंड को लेते हैं। 1 सेकेंड में जो राम भैया थे उन्होंने क्या काम किया, है ना, देख लीजिएगा। तो 1-2 सेकेंड में काम कर रहे हैं कितने, ठीक है, 10। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, ठीक है, 2 सेकेंड में कितना हुआ, आंसर है 10 जूल।
तो एक सेकेंड में क्या होगा, तो एक सेकेंड में होगा 10/2 इक्वल टू 5 जूल, ठीक है। तो 5 जूल काम करेंगे एक सेकेंड में। फिर आ गया आपका सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड जो है वो 3 सेकेंड में काम कर रहा है 25, तो ये 3 सेकेंड काम हुआ कितना 25 जूल। तो एक सेकेंड में क्या होगा, तो एक सेकेंड में होगा 25/3 कितना होगा 3/8 है ना, 3/8 24, ठीक है, और 0.33 ये जूल होगा, यानी एक सेकेंड में ये 8.3 जूल वर्क किए, ठीक है। और ये जो बी है, बी, ठीक है, तो 5 सेकेंड में 15 जूल, तो एक सेकेंड में, एक सेकेंड में क्या होगा, एक सेकेंड में 15/5 इक्वल टू 3 जूल। तो हमने देखा कि जो आर है, ठीक है, एक सेकेंड में कितना काम किए 5 जूल, ठीक है, और जो यस है एक सेकेंड में कितना काम किए 8.33 जूल, और जो बी है वह एक सेकेंड में कितना काम किए, आंसर है 3 जूल। तो अब ये हुआ एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो यूनिट टाइम आ गया। तो यूनिट टाइम में अब हम देखेंगे कि जो ज्यादा वर्क कर लेगा, ठीक है, उसकी पावर ज्यादा होगी। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि जो एस है, ठीक है, श्याम, ठीक है, श्याम भैया जो है एक सेकेंड में 8.33 जूल काम कर रहे है ना, और राम भैया एक सेकेंड में 5 जूल, ठीक है, और बलराम भैया, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, आंसर है श्याम भैया सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर सबसे कम कौन है, आंसर है, ठीक है, ये हमारा हुआ। तो इस तरह से हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पावर जो आपका वर्क करने का जो रेट होगा, रेट मतलब पर यूनिट टाइम में जो वर्क होगा वही क्या होगा, पावर, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग ने पावर को डिफाइन किया। तो पावर क्या हो चुका, पावर क्या हुआ, तो ये देखिए, ये आपका क्या है, तो आंसर है ये आपका है टोटल वर्क डन, है ना, ये वर्क डन है, टोटल वर्क डन, ठीक है, और ये है डिवाइड बाई, ठीक है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाई 5 सेकेंड यानी टाइम, ये हुआ आपका, ठीक है। और यहां पर, ठीक है, एक सेकेंड में ये क्या हुआ आपका 10 जूल टोटल वर्क डिवाइड बाई 2 सेकेंड टोटल टाइम, तो वर्क डन अपॉन टाइम। इसी तरीके से 25 क्या है, वर्क डन है, वर्क डन है, और टोटल टाइम क्या है 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड, तो ये हुआ वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वह होता है पावर, ठीक है। तो ये तो ऐसे हम लोग 3 लोगों का पावर कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे मशीन होती हैं, है ना, जो वर्क करती हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं उनका भी पावर होता होगा, आंसर यस। और हम अपने घरों में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाते हैं, फैन है, कूलर है, टीवी है ना, बल्ब है, हीटर है, ठीक है, आपका वॉशिंग मशीन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, है ना, तो उनका भी कहीं कहीं अपना क्या होता है, पावर होता है। अब पावर हमने कैसे कैलकुलेट किया, वर्क डन पर यूनिट टाइम से, ठीक है। तो ये हुआ पावर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पर, ठीक है। पावर तो जनरल में समझ में आ गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, अब ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ठीक है, बस। तो ये हमारा फैन लगा हुआ है ना, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो यह क्या करेगा, वर्क करेगा, सही है। हमारे कमरे में बल्ब लगा हुआ है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वह क्या करेगा, वर्क करेगा, वर्क करेगा ना, आंसर यस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे ऐसे होते हैं जो अच्छा वर्क करते हैं, जो कम वर्क करते हैं, जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, है ना, ऐसा होता है, आंसर यस। तो उसी के अकॉर्डिंग उन अप्लायंस का जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का और ज्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है ना, बस, ठीक है। तो लेकिन क्या है हमारा डिफिनेशन यही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओ उससे जो अप्लायंस वर्क करेगा, ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होगा आपका, यस, आपका होगा इलेक्ट्रिक पावर उस अप्लायंस का, ठीक है, ओके। तो और क्या होता है, तो जैसे हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब है, उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया यानी करंट दिया, ठीक है, और वहां से एनर्जी क्या हुई, लाइट एनर्जी क्या हुई, इमिट हुई, वहां से लाइट
एनर्जी जो है वह कंज्यूम हुई, वह डिसिपेट हुई, है ना, तो वह क्या है, वर्कडन ही है। ठीक है, तो ये जो वर्कडन पर यूनिट टाइम होता है वही आपका क्या होता है, पावर। और इलेक्ट्रिक अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उससे वो वर्क करेंगे, है ना, तो जो वर्कडन होगा और जो टाइम टेकन लिया होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट ऑफ एट विच वर्क इज डन, वर्क डन करने का जो रेट है वही क्या है, पावर है। ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रिक करेंट, तो ये जो हमारे अप्लायंस हैं, ठीक है, तो हमारे करेंट की वजह से चलते हैं, करंट की वजह से वर्क करते हैं, आंसर यस। तो इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, और भी हो सकता है हमारे पास जो अप्लायंस है, ठीक है, लाइट है, फैन है, ठीक है, तो लाइट हमारी क्या करती है, लाइट एनर्जी को इमिट करती है, रेडिएट करती है, कंज्यूम करती है, डिसिपेट करती है ना, ये एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो दूसरा डिफिनेशन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी बल्ब का जलना, ठीक है, या फिर उसी को बोलेंगे डिसिपेटेड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन ये हुआ आपका, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किसकी वजह से होगा, आंसर है करंट की वजह से वर्क डन होगा। ठीक है, और जो टाइम टेकन होगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर उस एप्लायंस का, उस मशीन का। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हुआ, तो अब ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P से डिनोट किए, तो P इज इक्वल टू वर्क डन हमारा हुआ W और टाइम हमारा हुआ T। तो पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये रहा हमारा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पावर के SI यूनिट पर। ठीक है, तो देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी पावर। ठीक है, तो क्या होगा, SI यूनिट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाई SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड यानी टाइम। ठीक है, तो यहां से मिलेगा SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, आंसर है यस, वेरी गुड जूल, डिवाइड बाई SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल डिवाइड बाई सेकेंड, ये हुआ हमारा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा जूल डिवाइड बाई सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे जूल पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसी को बोलेंगे जूल सेकेंड इनवर्स, ये हमारा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कहीं कहीं क्या है हमारा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी पावर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये हमारा है। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ये हमको मिल गया। ठीक है, अच्छा, तो क्या और कुछ इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हो सकती है क्या, यस हो सकती है, और क्या होगी, आइए हम उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग एक अदर यूनिट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, वो क्या होता है, देखिए अगर हमने मान लिया, ठीक है, हमारे पास कोई एक अप्लायंस है, एनी अप्लायंस, ठीक है, वह यूनिट वर्क डन ठीक है, यूनिट टाइम में कंप्लीट करता है, यानी यूनिट वर्क डन यूनिट टाइम, जो भी अप्लायंस होगा वह यूनिट टाइम में यूनिट वर्क करेगा, तो हम बोलेंगे उसको कि वो जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसका पावर क्या होगा। ठीक है, इसे हमको एक नई डेफिनेशन और एक नए इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट मिलता है। ठीक है, क्या मिला, कोई अप्लायंस है, ठीक है, यूनिट वर्क डन, यूनिट मतलब एक वर्क डन करता है यूनिट टाइम में, ठीक है, एक समय में, है ना, तो उस अप्लायंस का पावर क्या होगा, तो लिखिए इफ एनी अप्लायंस यूनिट वर्क, ठीक है, यूनिट वर्क डन, यूनिट वर्क डन का मतलब
यूनिट वर्क डन का मतलब 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल काम किया कोई अप्लायंस है, ठीक है। इन 1 सेकेंड यानी इन यूनिट टाइम दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है। देन पावर विल बी, उस अप्लायंस का पावर क्या होगा, ठीक है। देन पावर विल बी, पावर क्या होगा, ठीक है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि कोई अप्लायंस है यूनिट वर्क यानी 1 जूल काम करता है ना, कितने समय में, यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में, तो उसका जो पावर होगा वह क्या होगा। तो पावर का डिफिनेशन हमको पता है, पावर का फॉर्मूला हमको पता है ना। तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, तो आंसर है W/T, यही होता है आंसर, यस, ठीक है। तो अब वर्क डन का जो वैल्यू है वह क्या है, 1 जूल, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम का वैल्यू क्या है, टाइम का वैल्यू है 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है ना। तो 1 में 1 का भाग करोगे तो क्या मिलेगा, तो आंसर है 1 मिलेगा, और ये हुआ जूल डिवाइड बाई सेकेंड, ठीक है। और इसी को हमने लिखा है ना 1 जूल पर सेकेंड, यही ना, इसी को हमने लिखा 1 जूल पर सेकेंड, ये सब हमने लिखा हुआ है, 1 जूल डिवाइड बाई सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल सेकेंड इनवर्स, ये हमारा लिखने का तरीका है, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये हुआ हमारा। अच्छा, अब होता क्या है, इसी 1 जूल पर सेकेंड का नाम है, इसी 1 जूल पर सेकेंड का नाम है 1 वाट, 1 वाट। तो 1 वाट हम किसको बोलेंगे, तो आंसर है कोई भी अप्लायंस है यूनिट वर्क किया यूनिट टाइम में, तो उसका जो है ना, उसका जो पावर होगा वह क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। तो अब हमने कहा कि वो जो हमारा अप्लायंस है वह 1 जूल काम किया 1 सेकेंड में, तो जो उसका पावर होगा वह क्या होगा, 1 वाट होगा। अब आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, डिफाइन 1 वाट, 1 वाट को डिफाइन करिए, ठीक है। तो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, कोई भी अप्लायंस है यूनिट वर्क, ठीक है, यूनिट टाइम में कंप्लीट करता है, तो वो जो अप्लायंस होता है उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 वाट के बराबर होगा, ठीक है, यस। तो लिख लो, देन पावर विल बी 1 वाट, ठीक है, ये हुआ 1 वाट का डेफिनेशन, समझ में आ गया, आंसर यस। तो 1 जूल पर सेकेंड का नाम क्या है, 1 वाट, ठीक है, ये रहा। अब देखिए, ये जो हमारा वाट होता है ये कहीं कहीं इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है, तो यह कैसी यूनिट है, लार्जर यूनिट है स्मॉलर यूनिट है, तो इसका आंसर ये है, वेरी गुड, इसका आंसर ये है कि जो वाट होता है ना इलेक्ट्रिक पावर की स्मॉलर यूनिट होती है, तो लिख लो, ठीक है, वाट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ कौन सा पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ओके। तो ये पावर का स्मॉलर यूनिट है, तो लार्जर यूनिट क्या है, यस, लार्जर यूनिट में आपने पढ़ा हुआ है किलो, मेगा, टेरा, गीगा, ऐसा है ना, यस। तो हम लोग अब लार्जर यूनिट पर आते हैं, तो लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं, ओके। तो वाट हमारा क्या है, स्मॉलर यूनिट है, तो लार्जर यूनिट क्या होगा, है ना, तो लार्जर यूनिट है आपका, आपको बताएं, ठीक है, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट आपका जो है वो लार्जर यूनिट है, ठीक है। और उसके बाद और क्या होता है, तो आंसर है मेगावाट, ठीक है, ये सब बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो अब 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, तो किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हुआ 1000 और क्या हुआ, वाट, ठीक है। अब 1000 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 10³ वाट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना होता है, 1 किलो, किलो का मतलब होता है 10³, ठीक है। अब यहां पे आपका जूल लगा है तो किलो जूल, वाट लगा है तो वाट, है ना, न्यूटन है तो न्यूटन, जो भी होगा, किलो का मतलब 1000, ये रहा किलो, 1000 किलो, ठीक है, ये रहा।
अब उसके बाद आता है मेगा। अगर हम 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट का मतलब होता है, यानी 1 मेगा मतलब होता है 10 लाख, 1 मेगा 10 लाख, तो ये हुआ 10 लाख। अब ये क्या होगा, वाट होगा, वाट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10^6 वाट, जिसको बोलते हैं मेगावाट। ठीक है, ये लार्जर यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, ओके, तो ये हमारा रहा कहीं कहीं इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड को बोलते हैं 1 वाट। और हमने डिफाइन किया 1 वाट होता क्या है ना, 1 वाट क्या होता है, इसको डिफाइन किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो वाट है वो हमारी स्मॉलर यूनिट है ना। अब वाट जब स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की, तो लार्जर यूनिट क्या होगा, तो लार्जर यूनिट किलोवाट मेगावाट, जो इसके इक्वल हुआ। ठीक है, अब कुछ हमारे घरों में, ठीक है, अप्लायंस लगे हुए होते हैं, है ना, जैसे आपका हुआ वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ये सब लगे हुए होते हैं। आंसर यस, लगे हुए होते हैं, है ना। तो और टीवी भी लगा हुआ होता है, बहुत सारे अप्लायंस लगे होते हैं, तो उस पर रेट होता है, रेट है ना, उस पर रेट होता है। क्या रेट होता है, जब आप मार्केट से लाओगे तो उस पर रेट होता है। तो क्या रेट होता है, ये रेट होता है, अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक बल्ब लाएं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब सूर्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब सूर्या लाएं, 10 रुपये का मिलता है ना, ठीक है, 100 वाट का, आंसर यस, 10 हो गया, जो भी होगा 10-12 रुपये का जो भी होगा। ठीक है, तो वो जो बल्ब हमारा होता है उस पर रेट होता है। तो क्या रेट होता है, उस पर रेट होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उस पर रेट होता है 100 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, उसका जो पावर है वो 100 वाट का है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वह 220 पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 220 वोल्टेज पर वर्क करेगा, जो उस पर रेट हुआ लिखा हुआ होता है ना, यही लिखा हुआ होता है 100 वाट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पर वह वर्क करेगा। और कितना वर्क करेगा, तो आंसर है 100 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल वर्क करेगा। ठीक है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, इमिट करता है, डिसिपेट करता है। ठीक है, कितना, 1 सेकेंड में 100 जूल। और वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होगा कितने पर वर्क करेगा, तो आंसर है 220 वोल्ट पर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक बोल्ट हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ हमारा, वो 220 पर वर्क करेगा, और उसका जो वर्क होगा, ठीक है, वो कितने का होगा, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एनर्जी को डिसिपेट करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये लिखा हुआ होता है, वो उस पर रेट होता है, समझ में। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास और सारे अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो जिसमें से हम एक और ले लेते हैं, जो हमारा टीवी सेट होता है, टीवी सेट, ठीक है ना, तो टीवी सेट की बात करें तो उस पर क्या रेट होता है, तो उस पर रेट होता है 120 वाट। ठीक है, और अब जो हमारा वाट, वाट इतने बड़े WATT लिख रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट, ये W। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो 120 वाट 220 वोल्ट, टीवी सेट पर ऐसा रेट होता है। तो इसका मतलब क्या है, कि जो टीवी सेट है 220 वोल्ट पर वर्क करेगा, और कितना वर्क करके हमको देगा, तो आंसर है 120 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 120 जूल वर्क करके देगा हमको, समझ में ना, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, चलिए एक हम और ले लेते हैं, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक हीटर पर। हीटर भी अभी कुछ समय पहले आप यूज कर रहे थे, है ना, 2-4-6-10 दिन पहले ठंडी में। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है ना, उस पर क्या रेट होता है, उस पर रेट होता है 1000 वाट, यानी उस इलेक्ट्रिक हीटर का जो पावर है वह क्या है, 1000 वाट, और ये किस पर वर्क करता है, तो आंसर है 220 वोल्ट पर वर्क करता है। तो 220
220 वोल्ट पर वर्क करता है, तो कितना वर्क करता है? तो आंसर है 1000 जूल, और वाट को क्या लिखोगे? जूल पर सेकेंड। तो 1000 जूल पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक हीटर? तो आंसर है 1000 जूल एक सेकेंड में। तो सोचो एक मिनट में कितना होगा, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एक घंटे में कितना होगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक हीटर हमारा होता है बहुत 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 ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। अच्छा एक हम और यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ये जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उस पर क्या रेट होता है? तो उस पर जो रेट होता है वह होता है 3000 वाट, बाप रे 3000 वाट, 3000 जूल पर सेकेंड। और कितने पर ये वर्क करेगा? तो आंसर है जो हमारे घरों में पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है 220 का, तो 220 पर वर्क किया और वर्क करके कितना दिया हमको? तो आंसर है 3000 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है वॉशिंग मशीन, बहुत ज्यादा करता है ना। तो अब एक सेकेंड में 3000 है ना, एक मिनट में ले लो कैलकुलेट कर सकते हो, एक घंटे में ले लो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो जो हमारा वॉशिंग मशीन है इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से ठीक है सबसे ज्यादा पावर किसका है? सबसे ज्यादा पावर इसका है। एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है? तो आंसर 3000 है ना। अब एनर्जी को सेव करने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए, ज्यादा एनर्जी डिसिपेट ना हो, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो, ठीक है, तो आजकल के समय में हम लोग ठीक है नए नए अप्लायंस यूज कर रहे हैं जिनका पावर क्या हो, कम से कम, और एनर्जी क्या हो, कम से कम डिसिपेट हो, कम से कम कंज्यूम हो, कम से कम खर्च हो, है ना, ये हमारा होता है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जो 100 वाट का था अब उसके प्लेस पर क्या यूज कर रहे हैं, समझ सकते हो, है ना, 10 वाट का, 5 वाट का, 2 वाट का, ऐसा आंसर है यस, ठीक है। तो अब इसी तरीके से नए नए टीवी ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक हीटर जो नए नए आने लगे हैं मार्केट में, उनका जो पावर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी सेव रहे, बची रहे, हम अपने एनर्जी को खत्म ना करें, ठीक है, समझ रहे ना। ओके तो ये तो रहा आज का हम लोग का टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर हमारा होता है जिसका फार्मूला हमने पढ़ा पावर पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, क्या सिर्फ यही एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर निकालने का? आंसर है नहीं, ठीक है। हमारे एप्लायंस में रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, यानी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है और कितना इलेक्ट्रिक उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन सब से ठीक है हम और नए फार्मूले सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर के और भी डिफरेंट टाइप के फार्मूले होते हैं, उनको हम सीखेंगे ठीक है अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।